नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। बाराबंकी जिले के देवा ब्लॉक में प्राइम टीवी की टीम लगातार रियलिटी चेक कर गांव के विकास कार्यों का जायजा ले रही है। वहीं गांव में फैली गंदगी और खामियों से आपको रूबरू करा रही है। प्राइम टीवी ने लगातार लोगों की परेशानियों को प्रमुखता से दिखाया है। इसी क्रम में जिला विकास अधिकारी के सिंह से बात की और उन्होंने क्या कुछ कहा गाँव के विकास को लेकर, आइए सुनते हैं। प्राइम टीवी टीम के द्वारा लगातार गाँव गाँव की कवरेज जारी थी और बाराबंकी जिले के देवा ब्लॉक में लगातार प्राइम टीवी की टीम कवरेज कर रही थी। कई गांवों के रियलिटी चेक किए गए, जिसमें जो गांव हैं वो फेल होते नज़र आए, विकास कहीं दिखा नहीं। आज हम बातचीत करने के लिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर बाराबंकी के पास आए हैं। हम उनसे जानेंगे कि जो गांव के अंदर जो कमियाँ हैं इस पर क्या कार्रवाई होंगी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। देखिए, आपकी इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि गाँव विकास कार्य नहीं हुआ है। जी, मैं भी गांव का रहने वाला हूं जी। और हम जानते हैं कि गांव में क्या स्थितियां होती थी 15-20 साल पहले जी। और आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज हम जाते हैं गांव में तो हमें पक्के रास्ते मिलते हैं गांव के। पेयजल की सुविधाएं हैं पूरे गांव में, जो है इंडिया मार्क 2 हैंडपम्प लगे हुए हैं। और जो विद्यालय हमारे हैं, प्राइमरी स्कूल्स हैं, जूनियर स्कूल्स हैं, उनका अपडेशन हुआ है। उनका आप देखेंगे कायाकल्प में काफ़ी काम कराया गया है। जनपद में विशेष रूप से हर विद्यालय में जो है टॉयलेट्स का निर्माण कराया गया है, चाहे वो महिला बच्चों के हों या बालिकाओं के हों या बालकों के, अलग अलग शौचालय निर्माण कराया गया है। पेयजल के लिए वहाँ पर जेट पम्प्स लगवाए गए हैं और टंकी रखवा कर जो है उसकी पाइपिंग वगैरह कराई गई है। इसी तरह से जो हमारे वहाँ पर स्कूल में जो बच्चों की रसोई घर वगैरह जहाँ खाना बनता है उसका भी सुधार हुआ है। तो आप देखेंगे तो काफ़ी स्थितियाँ अच्छी हुई हैं और लगातार इस पर प्रयास कर रहे हैं। एक चीज़ आपने भी उठाई थी जो हरदई की और उसमें गौरिया में कुछ शौचालय आप पूर्ण चाहिए थे, उसको मैंने नोट किया, उसको मैं दिखवाता हूँ और आपको आश्वस्त करता हूँ कि 10-15 दिन में आपको फिर दोबारा विजिट आप करेंगे तो आपको सारे शौचालय पूरे मिलेंगे। सर, स्वच्छ भारत मिशन के तहत या गौरैया या हरई की बात नहीं, कई ऐसे गाँव हैं जहाँ पर शौचालय बनने थे लेकिन बहुत सारे शौचालय ऐसे हैं जो अधूरे पड़े हुए हैं और वहाँ पर काफी कमियां हैं। सीट नहीं रखी गई हैं, सिर्फ दीवारें उठा दी गई हैं, बहुत सारी चीजें हैं और कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार की जड़ें हैं वो काफी मजबूत हो, उसको किस तरह से दूर करेंगे आप? देखिए, कई कोई कमियां हैं तो उनको कमियों को ठीक करने का स्कोप हमेशा रहता है जी। ठीक है, कमियां रह जाती हैं। शौचालयों की बहुत बड़ी संख्या थी, आपको मालूम होगा स्वच्छ भारत मिशन में बहुत बड़ी संख्या में शौचालय बनवाए गए, फिर वो SB उसमें NOLB में बनवाए गए बहुत शौचालय। इस तरह से संख्या काफ़ी है गाँव सभा में। हो सकता है कुछ शौचालय अधूरे रह गए हो या किसी, हो सकता है लाभार्थी का सहयोग ना मिला हो या कुछ डिस्प्यूट हो जगह का। कभी कभी लोग ऐसी जगह बनाते हैं या डिस्प्यूट हो जाता है जमीन का, कुछ शौचालय अधूरा रह जाता है। तो ऐसी कोई स्थिति होगी तो मैं इसको दिखाने के लिए तैयार हूँ। सर, एक सवाल और, जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय मिलने थे ये लाभार्थी के अकाउंट में पैसे जाने थे लेकिन ठेकेदारों के द्वारा बनवाया गया, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा नहीं है कि बहुत जगह हमारे यहाँ पे जो लाभार्थी बनवाने के इच्छुक थे उनके खाते में पैसा गया, 2 किस्तों में 6,000 गया, फिर उनको 6,000 गया। कुछ लाभार्थियों ने खुद कहा कि नहीं साहब, हम नहीं बनवा पाएंगे, हमारे पास संसाधन नहीं बनवाने के, हमारा बनवा दिया जाए। तो उसी स्थिति में बनवाने का काम किया गया, अदरवाइज बहुत बड़ी मात्रा में लाभार्थियों खाते में पैसे गए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर मौजूद थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जहाँ जहाँ कमियाँ पाई जाएंगी वहाँ कमियाँ दूर की जाएंगी और जो जो भ्रष्ट ग्राम विकास अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन अनुराग के साथ रेहान वारसी, बाराबंकी।